नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कोई खाने की वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक और वीडियो। आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग। तो आज मैंने अभी अमेज़ॉन से एक मेरा पार्सल अभी जो है डिलीवर हुआ है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ही इसको ओपन करूँ। तो चलिए इसको खोलना शुरू करते हैं। पहले तो ये आप देख सकते हो ये पार्सल आया है, और इसको इस तरह से हम खोल लेंगे, कैंची से इसको कट कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। मुझे तो मालूम है इसके अंदर क्या है, लेकिन मैंने सरप्राइज रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए, तो शेयर मैं ये आपके साथ ही करूँगी। और आपके साथ ही मैंने सोचा इसको मैं जो है ओपन करती हूँ। तो ये बॉक्स है और आप देख सकते हो ये है न्यूट्री प्रो बुलेट जूसर मिक्सर। तो ये कैसे चलता है, किस तरह का है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो चलिए पहले देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि ये कितनी यूज़फुल है और बढ़िया है कि नहीं। ये 500 वाट्स की जो है चॉपर मीटर है इसका, और 12 मंथ्स की इसकी यानी कि 1 ईयर की इसकी वारंटी पीरियड है। तो आगे देखते हैं, इसको ओपन करते हैं। इतना से पैकिंग इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से करके भेजी है। कट करना पड़ेगा इसको। लीजिए इस तरह से हम खोल लेते हैं। ये खुल गया, निकालते हैं। ये देखिए ये इसकी मोटर लग रही है, मोटर है ये, और ये इसका छोटा वाला जार। तो देखते हैं इसके अंदर कितने जार हैं। 3 जार हैं इसके अंदर, ये देखिए 1, 2 और ये छोटे वाला 3। तो 3 जार, एक ये मोटर और ये है इसकी कैप। अभी खोल कर अभी सब कर देखते हैं इसको, ये भी खोल के चेक करते हैं क्या है। ये भी कैप है इसकी, अभी इसको साइड करते हैं। इसके साथ बॉक्स में आया है एक ये डिटेल, इसमें सारी दी हुई है कि ये इसकी वारंटी पीरियड का कार्ड है, साथ में डिटेल कि कैसे इसको हमने यूज़ करना है। तो सारी डिटेल है, इसको संभाल के रखें क्योंकि वारंटी पीरियड जैसे कि मैंने आपको कहा कि 1 ईयर का है, इसमें स्टैंप लगी हुई है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए सब इन्होंने स्टैंप लगाई हुई है। तो ये संभाल कर ज़रूर रखें, इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है इसको एक्सचेंज करवा सकते हो या फिर आप ठीक करवा सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताना शुरू करती हूँ इसको कैसे यूज़ करना। जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल और वारंटी कार्ड है, तो ये जो है ISI सर्टिफाइड कंपनी जो है उसके अंडर आता है। और भी मैं इसके जो डिटेल है वो आपको बताती हूँ कि इसका जो ये जगह, इसको खोल कर देखते हैं पहले। देखिए निकालते हैं सारा सामान, ये देखिए ये इस तरह से ओपन हो जाता है। ये देखिए ये इसमें ब्लेड लगे हुए हैं, डबल ब्लेड्स हैं। इसको भी देखते हैं, देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। और ये सिंगल ब्लेड है, छोटा वाला जा रहा है ये, और इस तरह से ये बंद हो जाता है। लाइट वेट है, बहुत ही कंफर्टेबल है यूज़ करने में। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैन्युअली बहुत इजीली ये यूज़ हो जाता है। ये देखिए ये इस तरह से है, इसको आप कवर करके इस तरह से रख सकते हो इसमें। ये है इसकी मोटर, इसको भी निकाल लेते हैं। और ये है इसकी वायर, वायर को भी खोलते हैं और चेक करते हैं। ये देखिए काफ़ी लंबी वायर है, इजीली जो है इसको हम लगा सकते हैं।
काफ़ी इसकी लेंथ काफ़ी है, और इसके जो स्विचेस हैं ये ऑन और ऑफ करने के जो बटन हैं, ये मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये इसको प्रेस करने से, यानी कि हम इसको इसके अंदर डालेंगे, इस तरह से फिक्स करेंगे और यहाँ से जो है इसको, इसके ऑन ऑफ का ये बटन है, ये ऑन और ये ऑफ यहाँ से। तो ये इस तरह से हमने इसको जो है लगाना है, मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हो इस तरह से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पावर काफ़ी पावरफुल है, 500 वाट्स का जो है ये इसकी मोटर है, और इसकी मोटर जो है वो कॉपर मोटर है, और उसका जो पुश बटन है बहुत ही जो है टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, पुश स्विच टेक्नोलॉजी है इसकी, क्योंकि हमें यूज़ करने के लिए बहुत ही ईजी रहती है। तो अभी मैं इसको जो है ऑपरेट करके सारा इसको चला कर आपको दिखाऊँगी। ये छोटा वाला जो जार है ये भी बताऊंगी, सारे जार बताऊंगी कि किस पर्पज़ से, किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको यूज़ करना। सबसे पहले तो जार को जो है वो वॉश कर लें, यूज़ करने से पहले। अभी न्यू आया है तो इसको वॉश कर लें। वायर को अटैच कर दिए मोटर की वायर को, और अब हम ये जो है जार खोलेंगे, और इस जार के अंदर मैं डालूँगी थोड़े से फ्रूट्स, कोई भी फ्रूट्स आप जिसका स्मूदी बनाना चाहते हो वो डाल सकते हो। तो ये मैं एप्पल डाल रही हूँ इसमें, और जो मेरे पास फ्रूट्स अवेलेबल थे वो डाल रहे हैं। तो इसको कर देंगे इस तरह से बंद, अच्छे से बंद कर देंगे, और ये जो है इसमें होल्स बने हुए हैं, आप इसके अंदर जो है ये तीन बने हुए हैं, तो ये इसके अंदर ही इस तरह से फिक्स कर दें, और इसको नीचे प्रेस करें इस तरह से। सॉरी, स्विच खुला रह गया था। तो ये इस तरह से हमने इसको फिक्स कर दिया, थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। अब इसको खोलते हैं, ऑन करते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। मैं भी इस अभी जो है फर्स्ट टाइम ही आपके साथ ही इसको यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा हम डाल देंगे फिल्टर्ड वाटर, 3 से 4 चम्मच के करीब, और इसको दोबारा से इस तरह से डालेंगे। तो ये जो ओपन बटन है इसको ऑन कर देते हैं, और ये देखिए इसको बंद कर देंगे, फिर खोलेंगे। ये देखिए इसको निकालेंगे, और आप एक बार इसको शेक कर सकते हो इस तरह से। और ये मिनटों में आप देखेंगे कि बनकर जो है ये रेडी हो जाता है। अगर आप स्मूदी बना रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखें। ये देखिए, ये आप देख सकते हो, अराउंड 20 to 30 seconds में ही ये जो है हमारी स्मूदी बनकर रेडी हो जाती है। ये देखिए, तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, और आप देख सकते हो कि स्मूदी कितनी बढ़िया बनी है। ग्लास में हम इसको शिफ्ट कर देंगे इस तरह से, और ये देखिए ये हमारी बढ़िया सी स्मूदी बनकर हो गई रेडी। इसी जार में अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इसको टमाटो प्योरी भी बना सकते हैं। तो मैंने ये टमाटर लिए हैं कुछ, और ये टमाटर को मैंने धोकर काट कर इसमें डाल, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे पानी, 3 से 4 चम्मच। इसको कर लेंगे इस तरह से बंद, और ये मोटर के साथ इसको अटैच कर देंगे। ये जो तीन बने हुए हैं इसको इस तरह से डालेंगे अंदर, हल्का सा प्रेस करेंगे और मोड़ लेंगे, ऑन करेंगे, और ये देखिए कुछ ही सेकंड में आप देख लें किस तरह से ये हमारी बिल्कुल फाइन जो है पेस्ट बनकर रेडी हो जाएगी। बंद करें और एक बार खोलें। इसको हमने 1 मिनट से ज़्यादा लगातार नहीं चलाना है। निकाल लेते हैं, और ये देखें कितनी बढ़िया जो है इसकी टमाटो प्योरी बन गई है। मैं इसमें डालती हूँ, और ये देखिए बन गई ना बढ़िया सी प्योरी। अब हम इसी जार में
डालेंगे थोड़ा सा पुदीना और धनिया, इसके अंदर डालेंगे थोड़े से प्याज, 3-4 फ्लेक्स लहसुन के, इस तरह से इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा धनिया मैं इसमें और डाल दूंगी। इसके अंदर डालेंगे अब स्वाद के अनुसार अपना नमक डाल लें आप थोड़ा सा, मैं जो इसमें 1/3 स्पून के करीब नमक डाल रही हूँ। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे अमचूर पाउडर, आप चाहें तो हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, अमचूर पाउडर 1/2 चम्मच। इसको कर लेते हैं इस तरह से बंद। दोबारा इस तरह से दबाएंगे और स्लाइटली मोड़ लेंगे और इसको ऑन कर देंगे। आप चाहें तो एक बार बंद करके ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो एक बार इस तरह से इसको हिला सकते हैं। आप पीछे भी हट जाएंगे तो ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही हैंडी है चलाने के लिए, बहुत ही इजी है। ये देखिए मिनटों में ये बनकर रेडी होता है और सी थ्रू है, आपको पता भी लगा रहता है कि आपकी जो चटनी है वो बन गई है। ये देखिए इसको एक बार दोबारा हिला लेंगे। ये देखिए और कुछ ही सेकंड में चटनी बनके रेडी। ये देखिए मैं शिफ्ट करती हूँ उसको और आपको दिखाती हूँ। कर लेते हैं हम शिफ्ट इस तरह से और मिनटों में चटनी बनके रेडी। तो आप सभी देख रहे हैं कितनी ये यूजफुल है, हैंडी है, कहीं भी आप इसको रख सकते हो। छोटा सा है इसके जार और छोटी सी इसकी मोटर है, इसको आप कहीं पे भी रख लो, बड़ी इजीली जो है ये मैनेजेबल होती है और साफ सफाई में क्लीन करने में भी बहुत ईजी है। पर ध्यान रहे कि कोई भी गर्म चीज़ को इसके अंदर डालकर जो है मिक्सी में न चलाएं, नहीं तो इसकी लीकेज हो सकती है और ये जो है इरप्ट हो सकता है। तो इसलिए जो है इसको गर्म चीज़ इसके अंदर बिल्कुल मत डालें, ठंडी कर जो है पीसें। अब मैं एक और आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम जो है नट्स को भी पीस सकते हैं इसमें। अब ये है सबसे छोटा वाला जार, इसको भी खोल लेते हैं और इसके अंदर डालेंगे ये थोड़े से बादाम। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इसको ग्राइंड कर सकते हैं। ये देखिए ये मिनटों में 10 सेकंड भी नहीं लगे होंगे और ये मिनटों में जो है इस तरह से ग्राइंड हो गया। अगर आप और चाहते हैं तो इसको और भी बारीक कर सकते हैं, मैंने जो है इसको दरदरा सा ही रखा है। तो ये बिल्कुल बढ़िया से हो गए हैं, ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, सिर्फ 1870 रुपीज़ की है। बहुत ही जो है लो प्राइस में आपको जो है बेस्ट चीज़ मिल रही है, हायर ब्रांड की मिल रही है और ये जो है बहुत ही यूज़फुल है। तो अगर आप परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहें तो उसे परचेज। और सबसे बड़ी बात जो स्पेशलिटी इसकी ये भी है कि ये जो मोटर का जो ये है, इसको जब आप ये निकाल लेते हैं ब्लेड्स वाला, तो ये आप किसी भी जार में फिक्स कर सकते हो, आप इस वाले में भी फिक्स कर सकते हो, आप किसी में भी फिक्स करके जो है बना सकते हो। तो ये आपको बेनिफिट है 3 जार्स का और ये ब्लेड्स का। इसका जो ये जग है इसको आप इस तरह से कुछ भी आप इसमें पीसें, जैसे कि जूस या स्मूदी आप इसमें बना रहे हो या चटनी बना रहे हो, आपने नहीं शिफ्ट करना है तो आप इसको जो है इसी तरह से रख सकते हो, स्टोर करने के लिए इसी तरह से रख सकते हो। ऐसे ही इसमें ये बना हुआ है, एक सिपर सा बना हुआ है, इस तरह से आप इसको खोलें, बड़ी इजीली ये जो है इस तरह से खुल जाएगा। तो ये देखिए सिपर भी बना हुआ है, आप इस पर लगा लें अपने जग में इस तरह से और आप यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।